चले आज इसी टैक्स पे जो है हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। एक तो हमने जे इसको जो है वो गोल्ड बना दिया, चले बल्कि मैं नया ले लेता हूँ, छोड़ दें इसको, ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं सही से। फाइल में जाके न्यू कर लें और यहाँ से जो है वो आप इसको विड्थ दे देंगे 800 और यहाँ इसको कर देंगे 600। ठीक है, 800 और 600 जो होता है वो नॉर्मल हम कोई वेब पेज के लिए जब काम करते हैं तो उसको हम 800 बाय 600 की जो है वो साइज़ देते हैं। ठीक है, इसको हमें ओके कर दो। यहाँ पर पिक्सल ही रखना है, इंचज़ नहीं रखने आपने, और रेजोल्यूशन वही 72%। ओके कर दूंगा मैं इसे। ठीक है, ये पेज हमारे पास एक आ गया। आज हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है और क्या क्या इफेक्ट्स उनसे जाहिर होते हैं, उसको हम एक ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई करेंगे और टेक्स्ट पर भी जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट पर उसको अप्लाई करते हैं। ये टेक्स्ट टूल मैंने ले लिया, ठीक है, लेयर में शो करा दूंगा। विंडोज़ में जाके लेयर में शो करा देता हूँ, लेयर्स को अलग से मैं रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देखें लेयर टेक्स्ट लेने का ये फ़ायदा होता है कि लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। मैंने एक जुमला टाइप किया, ठीक है, अब इसको मैं अपनी जो है वो बल्कि सिर्फ एक ही वर्ड लिख लेता हूँ ताकि आपको इफेक्ट सही नज़र आए, और इसकी साइज़ में बड़ी कर देता हूँ। ठीक है जी, अब देखें इसी जो है वो टेक्स्ट के लेयर को हमने सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखें ये नीचे एफएक्स लिखा हुआ आ रहा है, कल जब हमने यहाँ से लिया था मास्क लेयर, उसी के साथ ही एफएक्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे चला जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर ऊपर आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ठीक है, जैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गया तो मैं इसको यहाँ साइड पे रख लेता हूँ ताकि जो जो मैं चीज़ें यहाँ से चेंजिंग करूँगा वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहले हमारे पास जो है वो बेवल एंड इम्बोज है। अगर मैं ये कर देता हूँ तो आपका टेक्स्ट जो है वो इम्बोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखें ब्लेंडिंग का मूड हम इसको दे देंगे कि हमने रखना क्या है। इस पर हमने क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पर ये इनर बेवल लिखा हुआ है। अगर मैं इनर बेवल के बजाय मैं इसको इम्बोज करता हूँ तो देखिए क्या होता है, ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा उभर जाएगा और मैं इसकी साइज़ जैसे बढ़ाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि ये किस तरीके से बन रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा सॉफ्टनिंग, आप यहाँ से इसकी सॉफ्टनिंग और हार्डनेस जो है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट होना चाहिए और कितना हार्ड होना चाहिए ये। ठीक है, यहाँ पे ये ग्लॉस काउंटर आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिज़ाइन दिए हुए हैं, ये डिज़ाइन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और पीछे कर देता हूँ ताकि पूरा टेक्स्ट आपको नज़र आए। ये देखिए ये सिंपल है। ठीक है, अगर कोई और टेक्स्ट लेते हैं, यहाँ से कोई और डिज़ाइन लेते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि एम्बोस के किस तरह के डिज़ाइन आपके पास आ सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक मैं कोशिश कर लेता हूँ कि टेक्स्ट का कलर मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये सही से नज़र आए। ठीक है, टेक्स्ट का कलर लाइट करने के लिए मैं इसी ब्लेंडिंग ऑप्शन से ही कर सकता हूँ इसको, मुझे जो है वो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखें आपके पास ये आ रहा है कलर ओवरली, क्या आ रहा है, कलर ओवरली। यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से मैंने जो भी कलर मैंने चूज़ करना है, ठीक है, ये मैं लाइट पिंक रख लेता हूँ इसका कलर, और ठीक है जी, ताकि आपको ये नज़र आए, बल्कि थोड़ा सा और गहरा कर देता हूँ।
ये आपको नजर आएगा सही। ठीक है जी, इसके अलावा देखें ये था आपका बेवल एंड एम्बोस, इसमें आप चेंजिंग करके देखें खुद ही उसमें कि क्या क्या चीज़ें आप उसमें चेंज कर सकते हैं। एंगल को आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से जो एंगल आप देना चाहेंगे उसी एंगल की तरफ से आपको ये एम्बोस करके दिखाएगा। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर काउंटर आ रहा है और टेक्सचर आ रहा है। ठीक है, अगर आप टेक्सचर मूड में लाना चाहते हैं तो ये टेक्सचर को आप क्लिक कर देंगे और आपके पास ये टेक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ पर टेक्निक्स हैं, अगर आप हार्ड कर देंगे तो हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट कर देंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है टेक्निक्स आपने क्या रखनी है। जिस तरीके से हमने गोल्ड का एक टेक्स्ट बनाया था उसमें हमने चेसल हार्ड रखा था तो काफ़ी ज़्यादा वो हार्डनेस शो हो रही थी। ठीक है, अगर आप काउंटर हटा देते हैं और टेक्सचर हटा देते हैं तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखें एक चीज़ आपके सामने आ रही है, स्ट्रोक क्या आ रहा है, स्ट्रोक। ये तो शुरू से ही आपको मैं बताता चला आ रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो तो उसके दो हिस्से होते हैं, एक फिल होता है और एक स्ट्रोक होता है। ठीक है, फिल उसके अंदर का कलर है और स्ट्रोक जो उसकी बाहर की लाइन जिसे हम बॉर्डर भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बता रहा है, साइज बता रहा है कि आपने स्ट्रोक को कितना बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आप इसको साइज देंगे उतना ये स्ट्रोक बना देगा। उसके बाद यहाँ से स्ट्रोक आपने इनसाइड पे रखेंगे तो अंदर की तरफ जो है वो स्ट्रोक आ जाएगी, अगर आपने सेंटर पे रखना है तो इस तरीके से आएगा ये, और अगर आपने आउटसाइड रखनी है तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, स्ट्रोक का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देखें कोई भी कलर आप देंगे वही कलर आपके पास वहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से हम स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं और स्ट्रोक की जो ऑपेसिटी है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि कितना उसको नज़र आना चाहिए, आए 100% स्ट्रोक नज़र आए या थोड़ा सा धीमी हो के नज़र आए वाटर मार्क की सूरत में, तो यहाँ से ऑपेसिटी हम कम करेंगे तो यहाँ से हम चीज़ें इनकी सेट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, ये इस तरीके से आपका टैक्स जो है वो नज़र आएगा। स्ट्रोक में फिलहाल हटा देता हूँ, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट आपको दिखा देता है। इनर शेडो, अगर आप शेडो देना चाहते हैं इनर शेडो आप यहाँ से देंगे, इसको आप थोड़ा सा हार्ड कर दें और यहाँ से जैसे आप साइज़ बढ़ाएंगे तो देखिए अंदर की तरफ शेडो आपको नज़र आएगा। अगर मैं कम करता हूँ ये देखें अभी अंदर की तरफ शेडो बढ़ता जा रहा है, एंगल आप खुद सेट कर सकते हैं इसका, यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही है। काउंटर सेम वही, यहाँ से भी आप इसके डिज़ाइन शेडो के ले सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ये होता है कि कितना दूर हो, लेकिन ये क्योंकि इनर का है तो ये अंदर ही अंदर रहेगा और थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, जो आउटर है वो थोड़ा सा उससे दूर होता जाएगा। उसके बाद है इनर ग्लो, ग्लो और शेड तकरीबन सेम ही होते हैं लेकिन ग्लो में हम इनर की जो है वो लाइट रखते हैं। यहाँ से देखिए स्क्रीन आ रहा है, अगर इसको मैं मल्टीपल कर देता हूँ और यहाँ से कलर में इसका चेंज कर देता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, ब्लू अगर हम रखते हैं इसको और थोड़ा सा नॉइज़ कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, देखिए अभी आपके पास चेंजिंग आ रही है इसमें। ठीक है, ये आप साइज बढ़ाएंगे इसकी इस तरीके से, ये ग्लो है अंदर का क्योंकि असल में कलर भी थोड़ा सा ऐसा है और जो इसका ग्लो कलर आ रहा है वो थोड़ा सा खास नजर नहीं आ रहा, तो इसको हम जो है वो अगर यहाँ से टेक्निक्स चेंज करके देखें सेंटर करेंगे तो ही नजर आएगा, क्योंकि टेक्स्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट पे जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको सही से नज़र आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट पे ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें अगर आपने एक तो हमने अप्लाई किया था कलर ओवरली के सिंपल जो सॉलिड कलर है वो हमने टेक्स्ट को जो है दिया था, अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉलिड के बजाय ग्रेडिएंट कलर उसमें देना चाहूँ तो आप इसको यहाँ से कलर ओवरली को हटा के आप ग्रेडिएंट पर टिक कर दें, देखिए ये ग्रेडिएंट कलर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। आप इस ग्रेडिएंट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ से आपको डिफरेंट ग्रेडियंट्स मिलेंगे, जो हमने बनाया था वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर आप गोल्ड करते हैं या इस तरह से ये जो डिज़ाइन पड़े हुए हैं, आप ये कलर भी दे सकते हैं इसको, ठीक है। और ओके कर दें, देखें ये कलर यहाँ पर इसका अप्लाई हो गया। यहाँ से एंगल वगैरह आप उसका सेट कर सकते हैं, यहाँ से जो इसका स्टाइल है रेडियल रख सकते हैं और एंगल रख सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो रखेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट आपका जाहिर होगा, ठीक है जी। ये तो था आपका ग्रेडियंट ओवरली। उसके बाद देखें यहाँ पर आ रहा है पैटर्न ओवरली। अगर आप इसके ऊपर कोई पैटर्न रखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट को हटा दें, ये पैटर्न आपके टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहे तो आप यहाँ से आर्टिस्ट सरफेस ले लें, इसको अपेंड कर दें। यहाँ पर देखें और भी बहुत सारे पैटर्न आपके पास जो है वो आ जाएंगे, आप इनको ले सकते हैं। अगर ये ब्लैक एंड वाइट हैं तो आप कुछ और ले लें, कलर पेपर, अपेंड। अपेंड करेंगे तो इसके अंदर ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये देखें ये पैटर्न आप ले सकते हैं, जो बने बनाए पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। हम फिलहाल इसके ग्रेडिएंट ओवरली पे कर लेते हैं, पैटर्न हटा देते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ पर आउटर ग्लो, ठीक है। आउटर ग्लो क्योंकि ऑलरेडी पेज भी हमारा वाइट है और यहाँ पर देखें ग्लो का कलर भी जो है वो येलो है, तो ये नज़र नहीं आएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो देखें क्या हो रहा है। ये ग्लो कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे। ड्रॉप शेडो देखें, पहले जब हम फोटोशॉप चलाते थे तो ये जो ड्रॉप शेडो है ये सबसे ऊपर आता था, आजकल इसको उन्होंने सबसे नीचे कर दिया, ठीक है। ड्रॉप शेडो से आपका शेडो जो है वो इसमें आ जाता है टेक्स्ट का। ये देखें आप शेडो की साइज़ को बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं जितना आप उसको फैलाना चाहें। यहाँ से देखें शेडो की ओपेसिटी आप फुल कर दें इसको, और कलर यही ठीक है, इसको हम नॉर्मल रख देते हैं। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ेगा। अब एंगल आपने खुद ही सेट करना है, देखिए नीचे की तरफ डिस्टेंस बढ़ाना है तो ऐसे डिस्टेंस आएगा, ये देख रहे हैं इस तरीके से। जितना आप इसमें डिस्टेंस रखना चाहते हैं शेड का वो आप यहाँ से रख सकते हैं। एंगल आप चेंज करें, ऊपर करना चाहते हैं ऊपर करना चाहें, ये देखें बढ़ाएंगे इसको तो ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन हमने ऐसा शेडो रखना है कि जो हमारे टेक्स्ट के साथ मौजूद हो। इसके भी आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं डिफरेंट, ये देखें ये शेडो के डिज़ाइन है। ठीक है जी, ये है आपका ड्रॉप शेडो। ये है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस, जिसको हम क्या कहते हैं लेयर स्टाइल भी कहते हैं और ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी कहते हैं। इस तरीके से ये आपका जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब अगर यही चीज़ हम सारी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करें तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से हम एक छोटा सा ये इलेप्टिकल मर्की टूल ले लेते हैं और इसको जो है मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, बल्कि मैं टेक्स्ट को हटा देता हूँ। टेक्स्ट के लेयर को फिलहाल मैं गायब कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बड़ा सा ये हम बना देते हैं। और इस पर मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से सिंपल पेंट बकेट टूल लेकर। आप ग्रेडियंट कलर यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड कलर करने के लिए हम पेंट बकेट टूल लेते हैं। और यहाँ से मैं लेयर दूसरा ले लूँगा और इस पर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जब हमने टेक्स्ट लिया था तो लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ से मर्की टूल का बनाने जा रहे हैं तो हमें खुद ही जो है वो लेयर लेना पड़ता है। अगर आप उसी बैकग्राउंड के लेयर पे बना लेंगे तो आप उसे कहीं मूव नहीं करा सकते, ठीक है जी। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद मैं इसके वही ब्लेंडिंग ऑप्शन में चला जाता हूँ और जब मैं चेंजिंग लाऊंगा तो देखें क्या आता है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक फिल होता है एक स्ट्रोक होता है।
मैं इसकी स्ट्रोक दे दूंगा तो पता चल जाएगा कि ये जी स्ट्रोक इसकी आ गई। ठीक है, अब स्ट्रोक पर क्लिक करके मैं पहले ये डिफाइन कर दूंगा स्ट्रोक की साइज़ क्या हो, जितनी स्ट्रोक मैंने रखनी है। देखें जितना बड़ा रखूंगा ये इसकी लाइन की कलर आ रही। ठीक है, मैं 10 पॉइंट्स पे रख देता हूँ और यहाँ से कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, जो कलर लूँगा वो यहाँ पर मेरे सामने नज़र आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद अगर इसको आप एम्बोज करते हैं, बेवल एंड एम्बोज में जाके यहाँ से इनर बेवल आ रहा है। ठीक है, जब इनर बेवल होगा तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा, देख रहे हैं अंदर की साइड पे ये गया हुआ है। ठीक है, अगर आप एंगल चेंज करके देखें तो शायद पता चल जाए आपको। ठीक है, और थोड़ी सी साइज बढ़ा के देखें ताकि पता चले कि कितना अंदर ये जा रहा है इस तरीके से। ये तो था इनर बेवल का। अगर आप इसको इम्बोज करते हैं तो इम्बोज में देखें क्या होता है। यहाँ से एंगल थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमें, और अब हम अगर साइज को बढ़ाते हैं तो देखिए इस तरीके से ये एम्बोज होगा। ठीक है, यहाँ से सेम वही स्टाइल भी आप ले सकते हैं। ये इसकी डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ बढ़ाएंगे और इसको जब मैं देखें करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही फैलता जा रहा है मेरे पास। इसके भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये टेक्स्ट पर ज़्यादा जो है हमें सही नज़र आ रहे थे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑब्जेक्ट पे नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें टेक्स्ट पे नज़र आ रही हैं। इसको हम सिंपल ही रखेंगे। अगर आप इसको हार्ड करके देखते हैं तो देखिए ये क्या होता है। इस तरीके से ये आपका एक ऑब्जेक्ट जो है बनेगा। चले हम इसको हटा देते हैं, हर चीज़ स्ट्रोक डाल देते हैं, इनर शेडो। अब यहाँ पे देखें आपको इनर शेडो भी नज़र आएगा। अगर मैं साइज़ बढ़ाता हूँ तो देखें ये इनर शेडो आपका बढ़ गया। ठीक है जी, नज़र आ रहा है। एंगल आप यहाँ से सेट कर सकते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ से स्टाइल भी ले सकते हैं इनर शेडो का, जो आप रखना चाहें। इनर ग्लो, कलर चेंज करेंगे इनर ग्लो का। क्यों नहीं नजर आ रहा स्क्रीन रिसॉल्व? ये देखें इसको जब मैंने डार्कन किया तो अभी आपके पास इनर ग्लो जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से ग्लो आपके पास नज़र आ रहा है। इसमें सेंटर है, अगर एज करेंगे तो एज में हो जाएगा। अब आप उसको जितना बड़ा करना चाहें, ये इनर ग्लो आपके पास आ रहे हैं। ठीक है जी, इसके भी आप यहाँ से डिज़ाइन ले सकते हैं, ये वाले डिज़ाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आ रहा है जी समझ में? देखें यही वही ब्लेंडिंग ऑप्शन थे जो हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए। अगर मैं ग्रेडिएंट अप्लाई करता हूँ तो ग्रेडियंट भी अप्लाई हो जाएगा। इनर ग्लो में ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ से देखें मैं ये वाला एक शेड ले लेता हूँ। शेड लेने के बाद यहाँ से अगर मैं इसको रेडियल करता हूँ तो ये देखें इस शेप में आ जाएगा आपके पास। ये अगर ले लेता हूँ तो इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पैटर्न रखना चाहते हैं तो पैटर्न रख दें, इस तरीके से पैटर्न आएगा इसमें। कोई भी पैटर्न आप रखेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पैटर्न आएगा।
आउटर ग्लो अगर आप देना चाहते हैं आउटर ग्लो भी दे सकते हैं, इसको हम डार्कन कर देंगे। यहाँ से हम कोई एक कलर चूज कर लेते हैं और साइज हम इस तरह बढ़ाएंगे। देखिए ये ग्लो आपका अब जाहिर हो रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसकी टेक्निक्स आप देख लें, क्या रखनी है, सॉफ्टवेयर रखना है, प्रिसेस रखना है, स्प्रेड कितना करना चाहते हैं, इसको कितना फैलाना चाहते हैं, ये भी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके भी सेम काउंटर डिज़ाइन आप ले सकते हैं। ठीक है जी, अब क्योंकि हमने ग्लो वगैरह लिया हुआ है तो ड्रॉप शेडो इतना हमारा नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसकी साइज़ बढ़ा दें तो शायद नज़र आए, या डिस्टेंस बढ़ा दें तो हमें पता चले कि ये आप देखें हमारा शेडो जो है वो निकल के बाहर जा रहा है। लेकिन अगर कुछ भी चीज़ें अप्लाई ना की हूँ, अगर मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, देखें स्ट्रोक भी हटा देता हूँ, अब अगर मैं ड्रॉप शेडो करता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ी सी साइज़ बढ़ाता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, तो अब देखें आपके पास ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, जो आप कलर रखना चाहें वही कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं। काउंटर डिज़ाइन आप देखना चाहें रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। उम्मीद है ब्लेंडिंग ऑप्शन तो आ गया होगा समझ में आपको, आ गया। अप्लाई करें इसको टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है, और फिर जो है वो आगे चलते हैं। जब इसको ओके करेंगे तभी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ओके नहीं करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी।